फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करूंगा कि किस तरीके से आप मार्केट को प्ले आउट कर सकते हैं, क्या लग रहा है राइट नाउ, मार्केट किस तरफ जा रहा है। आज आईटी स्टॉक्स पे फिर एक बहुत बड़ा झटका मिला है, और कल और आज दो दिन में जो आईटी इंडेक्स है वो 2000 पॉइंट गिरा है। आपको बता दूं कि आईटी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑलमोस्ट एक समय पर बराबर थे, 37,700 का वैल्यू था दोनों का, और आईटी इंडेक्स ही वो इंडेक्स है जो निफ्टी को यहाँ तक लेके आया है। उसमें बहुत बड़ा रोल आईटी का ही था जो निफ्टी को भगा रहा था, और रिलायंस बाद में पार्टिसिपेट किया, बैंक निफ्टी ने बाद में पार्टिसिपेट किया। तो जो हमारा लीडिंग सेक्टर है उसकी अभी भी बहुत बुरी तरह से पिटाई हो रही है। कल इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कल हो सकता है कोशिश करे ये बेस बनाने की। आज भी लोअर लेवल से बाइंग आई है, ऑलरेडी जो यूएसडी आईएनआर जो डॉलर है उसके कंपैरिजन में रुपी कमज़ोर होता जा रहा है, जो कि बेनिफिट करता है आईटी कंपनीज़ को। तो हो सकता है आईटी यहाँ पे बेस बनाए, हो सकता है, लेकिन अगर आईटी बेस बनाएगा तो बैंक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में बाइंग जो आई है वो आईटी का पैसा ही, बैंक में कुछ पैसा आ रहा है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे अगर रुपी कमज़ोर होता है तो बैंकिंग स्टॉक्स में भी प्रॉब्लम आनी चाहिए एक बड़े स्तर पे, क्योंकि यील्ड्स भी बढ़ रही हैं और जो महंगाई है उसकी दर आ जाई है एक साल, मतलब ऑलमोस्ट 10 महीने के सबसे लोएस्ट लेवल पे। बहुत सारे लोग शॉक्ड हैं, 2-3 लोग तो बेहोश हो गए हैं ये नंबर देख के। पानी वानी छिड़कना पड़ा क्योंकि तेल बहुत महंगा है, 111 रुपये चल रहा है। तो वो लोग बोल रहे हैं टमाटर नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, अब सिर्फ पानी पियेंगे, क्योंकि इतनी महंगी सब्ज़ी है और गवर्नमेंट का डेटा 4.35 इन्फ्लेशन बता रहा है, तो उनको विश्वास भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग चक्कर खा गए हैं, आप भी चक्कर खा रहे होंगे कि ये डेटा कैसे कम नीचे जा रहा है, और तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल से रिलेटेड सब कुछ। सब्जी मंडी जाइए, ट्रांसपोर्ट पूछिए, सबके मुंह में एक ही है भाई बात की, भाई लाने ले जाने में इतनी महंगाई है कि कैसे हम कम में बेचते हैं। और जो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ महंगी है, आपका गैस महंगा है, सब्जी महंगी है, आपका जो फूड ग्रेन्स है, अभी बाढ़ है, बारिश है, इतनी ज़्यादा हो रही है तो बहुत सारी सब्जियां ख़राब होती हैं, तो इन सब का इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन ठीक है, नंबर है अपना, नंबर लेके मार्केट को उठाया जा सकता है, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल है, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन ठीक है, आरबीआई बोलता है कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, तो अब अंडर कंट्रोल अगर नहीं भी है तो नंबर में तो कहीं ना कहीं झलकना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ द रीज़न इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल दिख रही है। बाकी आप जाने, लेकिन नंबर यही बोल रहा है कि इन्फ्लेशन, महंगाई बिल्कुल भी चली गई है, एक साल पुराने वाले लेवल पे आ चुकी है महंगाई, मतलब महंगाई है ही नहीं, बिल्कुल महंगाई नहीं है। अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है पर्सनल। उसके अलावा अगर यूएस मार्केट की बात करें तो यहाँ पे डॉलर जो है फिर से कूदा है, तेज़ी से भागा है ऊपर की तरफ, और उसके कारण हमारा रुपी फिर से कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम इंडेक्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स 2000 पॉइंट गिरा है, 34,500 एरिया पे सपोर्ट इसको मिला है। अगर ये होल्ड करता है तो कल हम देख सकते हैं शायद इन्फोसिस के कारण थोड़ा बाउंस, और एचडीएफसी का रिजल्ट आने वाला है सैटरडे को, तो उससे पहले बैंक निफ्टी टॉप बना के कहीं आईटी की तरह ही मूवमेंट ना दे, तो ये थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आईटी ने भी किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। अगर आप आईटी इंडेक्स देखेंगे तो अपने हाई से, इसका हाई था 37,700, वहां से 3000 पॉइंट नीचे है आईटी इंडेक्स, और बैंक निफ्टी का भी लेवल सेम था ऑलमोस्ट, तो ये बता के नहीं करेगा। और सडनली 3 दिन में पूरा का पूरा आईटी इंडेक्स का जो टॉप पोर्शन है पूरा का पूरा इन्होंने साफ कर दिया था। थोड़ा आपको यहाँ पे संभल के रहना है बैंक में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट फ्राइडे को है। आईटी में हो सकता है थोड़ा यहाँ से रिलीफ आए इन्फोसिस रिजल्ट के बाद, क्योंकि पिटाई तो काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अगर इन्फोसिस का रिजल्ट भी ब्लंडर हुआ, बड़ा ब्लंडर हुआ कि यार एक्सपेक्टेशन से बहुत कम रिजल्ट आए, तो फिर इसका अभी और पिटाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आईटी इंडेक्स अगर आप बात करें तो 1000 पॉइंट और गिर सकता है करंट लेवल से, करीब करीब 1000 पॉइंट गिर सकता है। उसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो आज इसने एक नया हाई बनाया है 38,600 का, ये ऑल टाइम हाई है, तो इसको हाई बनाने के बाद क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 500 के आसपास, 600-700 एक लग रहा था कि एक एरिया है जहाँ पे रेजिस्टेंस है, टारगेट आ सकता है। पहले भी जब 38,000 कई बार आया तो हमने इसकी बात की थी, तो 38,700 के आसपास हो सकता है सप्लाई जोन आए, और अगर आईटी में बाउंस आना है तो बैंक से थोड़ा बहुत कैपिटल बाहर जा सकता है, पैसा जा सकता है। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ है, मतलब अगर आप बोलें कि यार मुझे कंफर्टेबल बाइंग एरिया चाहिए, तो अभी करेंटली आज का लो है 38,140 और उसके अलावा 37,900, किसी भी केस में ये दो लेवल मिलते हैं, इसके बीच में कहीं पर सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी में। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी आज फिर कोशिश किया 30
18,000 के ऊपर जाने की, उसके ऊपर क्लोज होने की, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली है। 17,991 पे क्लोजिंग है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 17,950 के नीचे गए तो थोड़ा वहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर मिलता है 850 तक, और 800-850 के आसपास करंटली बाइंग है। वहाँ पे ओआई का भी आपको कंसंट्रेशन दिखेगा, वहाँ पे सपोर्ट है। तो राइट नाउ लोग ये रेंज प्ले कर रहे हैं कि 17,800-840 के एरिया में सपोर्ट है और 18,050 के एरिया में रेजिस्टेंस है। करंटली ये लेवल है, तो इसी रेंज में हो सकता है जब भी ये रेंज ब्रेक करेगा तो 200-250 पॉइंट का मूव आपको और मिल सकता है। तो ये रेंज को आपको करंटली कंसिडर करना है। ओवरऑल जो क्रूड ऑयल है अभी भी 83 के आसपास है, और हमारा मार्केट उसको इग्नोर कर रहा है फॉर श्योर, लेकिन देखते हैं कब तक इग्नोर करता है, क्योंकि महंगाई का ऑफिशियल नंबर तो 4% है, तो कर भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है, राइट। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स जिसके बारे में बात करूंगा। एक है पहला कि जो मेटल है, मेटल्स में थोड़ा टाटा स्टील बेस बनाता हुआ दिख रहा है। 1330 पे क्लोजिंग है, अगर ये 1335 के ऊपर भी निकल जाता है और सर्वाइव करता है 10-15 मिनट, तो मुझे लगता है 1360-1370 की एक सैर करके आ सकता है। तो ये करंटली व्यू है, लेकिन 1315-1317 के ऊपर ही रहना चाहिए, तो वो आपका एक स्टॉप लॉस जोन हो सकता है इस केस में। उसके अलावा हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक देखिए 2,000 के पास तो बार बार जा रहा है, कई बार गया है, पहले भी गया है, लेकिन इस एरिया में थोड़ा इसको सेलिंग मिल रही है। तो 2,000 का जब एरिया पार कर जाएगा डिसाइसिवली, 2010 टू बी प्रिसाइज, तो उसके बाद आप एक 2050 2070 तक का मूवमेंट देखेंगे। तो ये अपसाइड के लिए है, अगर 2010 के ऊपर निकल जाए, और अगर आपका 1970 के नीचे निकले, अगर 1970 के नीचे निकला तो फिर आपको ये 40-50 रुपए का डिप भी दे सकता है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों एरिया को मार्कअप करके रखिए और इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा आईटीसी कोशिश कर रहा है मूव करने की, सपोर्ट करने की, लेकिन अभी आईटीसी में जो 240 का एरिया है, मैंने कल भी बात की थी, आईटीसी का 248 तक जा सकता है, आज का हाई 243 है। मुझे लगता है ये ऊपर धीरे धीरे जाएगा, लेकिन 250-255 के बाद ही इसको एक बहुत बड़ा अपसाइड मिलेगा। तब तक मुझे लगता है थोड़ी बहुत आपको बाउंस पे सेल करेंगे और आपका 230 के आसपास बाइंग मिलेगी। तो ये रेंज में करंटली आईटीसी है, 245 के आसपास लोग बेच रहे हैं और 230 के आसपास खरीद रहे हैं। ये रेंज जब टूटेगी तो आपको एक 40-50 रुपए का बाउंस यहां पे दिख सकता है। उसके अलावा बात करेंगे यहां पे ऑटो सेक्टर में मदरसन सुमी की। तो मदरसन सुमी जो है अभी राइट नाउ एक ऐसे एरिया पे है जहां से इसको नॉर्मली सेलिंग हर बार मिलती है। अगर आपको बाइंग करनी है तो 230-235 के आसपास मदरसन सुमी एक अच्छा बाय बनेगा। राइट नाउ एक थोड़ा सा डिप आ सकता है, 255 के ऊपर भी अगर निकल जाए रॉकेट की तरह, फिर आपको 270-280 के पहले रुकेगा नहीं। तो ये एक एरिया ऐसा है जहां पे बायर का जो मूड है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। कुछ लोग क्योंकि कई बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो अगर 250-253 के ऊपर निकलता हुआ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वहां से एक बड़ा, भले वो कैंडल सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन एक 20-25 रुपए का कैंडल आपको बन सकता है वहां पे। और अगर आपको लगता है कि यार मुझे अच्छे एरिया पे बाइंग करनी है, चेज नहीं करना है, तो वो आपको 230-235 के आसपास मिलेगा। उसके अलावा बात करेंगे एसबीआई। एसबीआई सब कुछ डिनाई करते हुए लगातार ऊपर जा रहा है, आई डोंट नो रीजन क्या है। मोस्ट प्रोबेबली जब ये प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, जैसे एयर इंडिया बिक गया, तो एक सेंटिमेंट बन रहा है कि यार मतलब इसका पैसा वापस आएगा। अब कितना पैसा गया था ये तो कभी किसी ने नहीं बताया, लेकिन खुशी खुशी अंदर ही अंदर कि हाँ यार पैसा वापस आ जाएगा, चीज़ें बिकेंगी तो पैसा आ जाएगा, इसका कर्जा पड़ेगा तो पैसा आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस सेंटिमेंट में इसको उठाया जा रहा है। लेकिन लास्ट 2 बार जब भी ऐसी स्टीप रैली आई है, इस बार 2455 से ऊपर गया है। लास्ट टाइम ये 433 से एक बाउंस मारा था 471 तक का, रिजल्ट के बाद पूरा का पूरा गिवअप कर दिया था। उससे पहले आया था 433 से 470 तक का एक बाउंस आया था 467 का, फिर वो भी गिव अप कर दिया था। तो जब भी इस तरीके के बाउंस आए हैं तो उसके बाद शार्प शार्प रिवर्सल आया है, करीब करीब 30-40 रुपीज़ का। तो यहाँ से अगर आप फंसे एसबीआई में तो 30-40 रुपीज़ के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। बस एक ही रिस्क है कि ये 30-40 रुपीज़ झेल पाना नहीं झेल पाना। तो अगर आपको बाइंग करनी भी है एसबीआई में तो थोड़ा सा डिप 469-468 का एरिया बाइंग एरिया है, इस एरिया पे चेस करना मेरे हिसाब से एक समझदार डिसीजन है। बाकी चेस करने वाले चेस करेंगे, कई लोग को पैसा बन जाएगा और वो उनकी आदत बन जाएगी, फिर वो जिंदगी भर चेस करते रहेंगे, और फिर अगर मार्केट वैसा नहीं रहा जैसा अभी है तो फिर जिंदगी भर परेशान रहेंगे, क्योंकि आदत तो बन चुकी थी, और ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। राइट नाउ आईसीआईसी बैंक एचडीएफसी बैंक नीचे की तरफ खींच रहे हैं, मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उस रिजल्ट्स की तैयारी है। ओवरऑल आईसीआईसी बैंक में एक आपको 720 के आसपास रेजिस्टेंस है, जब तक 720 पार नहीं करे तब तक इसमें बुलिश होने का कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल अगर ये 699-698 के एरिया के नीचे गया
तब आपको एक अच्छा सेल मिल सकता है इसमें, करीब करीब 675-685 के बीच के एरिया में वहां पे सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल देखिए रिजल्ट आने वाले हैं HDFC के, उससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा क्या होने वाला है। टाटा मोटर्स ने आज एक बहुत अच्छा बाउंस दिया, उसके बाद सेल ऑफ हो गया। मैंने कल भी यही कहा था कि टाटा मोटर अभी जिस एरिया में है वहां पे ऑप्शन डेटा ये दिखा रहा है कि यहाँ पे बाउंस पे सेल है, ओवरऑल बहुत अपसाइड नहीं है। आज उसने वही किया, ऊपर गया लेकिन ऊपर जाके सेल। तो मोस्टली लोग इस तरह की सिचुएशन में आप ऑप्शन में तो पैसे बनाएंगे नहीं, ट्रैप ही होंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे थोड़ा इसको ठंडा हो जाने दीजिए। इसका जो बाइंग एरिया है वो 395-390 के आसपास आएगा, वहां पे आप बाय करेंगे तो आपको एक अच्छा बाउंस 20-25 रुपीज का मिल सकता है। राइट नाउ रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवर नहीं करेगा चेस करने में। तो ये सभी स्टॉक्स थे, ये सभी मार्केट के लेवल्स थे जो मैं बात करना चाहता था, और कुछ सिनेरियोस थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो सुपर ट्रेडर लक्ष्य हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अभी तक आप बाय करके सेल करके जो भी करके पैसे बना ले रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से लग रहा है कि यार सीखना भी जरूरी है, तो हमारा STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में भी लिंक दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारा एनालिसिस ग्रुप है जहां पे हम अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं, वो भी उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सीखिए, समझिए कि ये टाइम है, अगर आपने पैसे बनाए हैं मार्केट में तो सीखिए, क्योंकि आपको इतने सारे लोग से आप बात करेंगे तो आपको लगेगा यार लोगों ने पैसे गवाए क्यों, इतना आसान है मैं तो बना ले रहा हूँ, फिर ऐसा क्यों वो लोग बोल रहे हैं कि पैसे जाते हैं, क्योंकि आपने मार्केट सिर्फ एक साइड देखा है। मार्केट का दूसरा साइड जब आता है तो आदमी का दिमाग का दही हो जाता है, और फिर आपको समझ में आता है यार मार्केट रियल तो हमने देखा ही नहीं था, अब आ रहा है, और तब आप परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर आपको पहले ही पता है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है तो आपके लिए उससे डील करना आसान होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितने पैसे आपने बनाए हैं अगर उसका 20% भी आपने गवा दिया, उस 20% को रिकवर करते करते आप जो 100% प्रॉफिट है वो भी गवा दोगे रिवेंज में। तो यहाँ का खेल है, जितने पैसे बन गए बहुत अच्छी बात है, इसीलिए जो प्रॉफिट्स अच्छे खासे बन चुके हैं स्मॉल कैप्स में उसको बुक करिए, जो लार्ज कैप में है उसको लगे रहने दे सकते हैं। लेकिन लार्ज कैप भी कुछ ऐसे हैं हाई प्रीमियम वैल्यूएशन में जहाँ पे बुक कर लेना कोई बुराई नहीं है। कोई आदमी आपको नहीं बोलेगा यार यहाँ पे बुक कर रहे हो ना खराब है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके से ये ऊपर गए उसी तरीके से ये गिव अप भी करते हैं ये स्टॉक, क्योंकि हिस्ट्री आप पास्ट में जाके चार्ट्स भी देख सकते हो। ये सभी चीज़ें मुझे शेयर करनी थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में।